जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने पंचायती राज चुनावों को लेकर भाजपा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जमकर निशाना साधा। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कई तरह के आरोप भी भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लगाए। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान प्रकाश चौधरी ने कहा कि पंचायती चुनाव प्रक्रिया के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं पर कई तरह के धांधलियां करने के आरोप लगाए गए हैं। इस मौके पर प्रकाश चौधरी ने कहा कि सरकार जो भेदभाव की भावना से काम कर रही है वह सरासर गलत है। हमने ऐसा नहीं कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम सरकार बनाना चाहते हैं। लोगों का जो फैसला है, लोगों का फैसला हमें मानने आए, हमने स्वीकार किया। लोग किसको चाहते हैं? चुनाव में हुई जीत का है जिसको लोगों का प्यार मिले, लोगों का आशीर्वाद मिले। कई MLA या मंत्री जिन्हें EBM का सहारा भी होगा, चाहे वो MP के रूप में हो चाहे वो MLA के रूप में, उनको मिलता होगा। हाँ, ये किस तरह जीते होंगे, पर ज़्यादातर लोग जिन्हें भगवान का आशीर्वाद है और अपने प्यार से और लोगों के आशीर्वाद से वो MLA बनता है, MP बनता है, प्रधान बनता है, उप प्रधान बनता है या समिति सदस्य बनता है, जिला परिषद का सदस्य बनता है। 22 तारीख की वो रात चुनाव निकला BDC मेंबरों का, मैं मंडी में था। हमें पहला चुनाव हमारी फेवर में आया, दूसरा मेरे फेवर में आया, तीसरा इनके फेवर में गया। हमने कहा कोई बात नहीं। अब 27 तसिया जो मेंबर है वो BDC मेंबर, स्थाई का हाउस है बल में, स्थाई का हाउस, स्थाई के हाउस में 6 जो मेंबर हैं वो है नाचन के और 21 मेंबर हैं वो बल कंसूसी के। 21 में से 15 हमारे आ गए और 6 में से 3 हमारे, 3 उनके हैं। अब हमारे लोग हो गए 18 और इनके लोग हुए 9, कि 9 से बनाएंगे। अब बात ऐसी है, जो BDC का चेयरमैन है वो OBC के लिए रिजर्व है, और इन्होंने क्या किया, इनकी एक कैंडिडेट थी रजनी, जिसको प्रधान कांग्रेस ने बनाया और जिसको जिला परिषद का सदस्य कांग्रेस ने बनाया, और वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। हमें कोई दुख नहीं हुआ। तो बैठा था कौन अधिकारी, कौन सेक्रेटरी के माध्यम से हुए, या माननीय मुख्यमंत्री ने उनके ऑर्डर किए, या माननीय कौन ऐसा MD है उसके माध्यम से हुए, किस अधिकारी के माध्यम से हुए, या किस मुख्यमंत्री के माध्यम से उनके ऑर्डर हुए, और जिनको चैलेंज किया और सुबह ऑर्डर आ जाते हैं। ऐसी सरकार है जो भेदभाव के अनुसार काम करती है? ऐसा पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं चाहिए होना चाहिए। सरकारें तो निष्पक्ष भाव से काम करती है। जैसे वीरभद्र सिंह ने कहा, मैं आदरणीय वीरभद्र सिंह का इतना रिगार्ड करता हूं जितना आज हिमाचल प्रदेश के लोग या हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोग भी उनका रिगार्ड करते हैं। उन्होंने कहा, प्रकाश चौधरी, मैं मुख्यमंत्री सबका हूं, मैं आज मुख्यमंत्री हूं तो मैं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, वो जनता किसी की नहीं होती, जनता सबकी है जब मुख्यमंत्री बन जाता है और सबका बनता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक MLA हैं, इन्होंने भी तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में काम करना है ना, इन्होंने भी जाना है, वहाँ बताना है कि मुख्यमंत्री ने क्या हमारे लिए किया। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं उतना ही आदर करता हूँ जितना मैं कांग्रेस के माननीय विधायकों का करता हूँ। ये आदरणीय वीरभद्र सिंह के बोल हैं, और इनके क्या बोल। पंचायती राज संस्थाओं में एक मुख्यमंत्री का आना, और इनके बोलते हैं कि मुख्यमंत्री का आदेश, मुख्यमंत्री के द्वारा हम कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? हमें ये दुख हो रहा है और ये चैलेंज कर रहे हैं। अब उसकी भाई की वाइफ है जो यहाँ सुंदर नगर में, उसको भी चैलेंज कर दिया, तेरे को भी एक दो दिन में हम चेंज कर देंगे। ऐसे होते हैं, किस ढंग से अब फिर चुनाव होंगे, किस ढंग से हम पंचायती चुनाव संस्थाओं में भाग लेंगे? ये तो ये ऐसा हो गया कि जैसे पहले जमाने में राजाओं के राज होते थे या अंग्रेजों के राज होते थे, उसके बाद जैसे वो तकलीफ पहुंचाते थे, ऐसी तकलीफें ये भी पहुंचा रहे हैं। ये सरकार नहीं है, ये तो अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, ऐसा थोड़े नहीं होता है। हम आज जाए, हम आज भी बोलते हैं, कोई किसी का मन अगर कांग्रेस में ना लगे तो अपनी मर्जी करें,
हम स्वागत उनका करता है जो बड़े मन के साथ दिल के साथ कांग्रेस में रहे, कांग्रेस का काम करे। हम उनका स्वागत भी करते हैं, उनका अभिनंदन भी करते हैं। परंतु रजनी पाटिल के लिए इन्होंने रिजर्व की एक सीट, सुनिए ध्यान से, अभी एक बल से रजनी नायक के लिए इन्होंने पूरे बल क्षेत्र में एक सीट की ओबीसी की सिर्फ रजनी नायक के लिए। रजनी नायक जीतेगी और चेयरमैन बनेगी। मैंने पहले भी कहा था कि गलमा में ओबीसी हैं, पर समलौन जो दूसरी पंचायत जोड़ी उसमें एक भी परिवार ओबीसी का नहीं है, और पूरे बल क्षेत्र में सिर्फ एक ही सीट ओबीसी के लिए रखी। जबकि अगर इनकी कैंडिडेट रजनी नायक जीतती तो सीधे चेयरमैन थी। अब किस्मत गेम हमारे पाले में पड़ गई, किस्मत से हमारी जो मंजू नायक है वो जीत के आई। अब मंजू नायक का बयान है कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे जो माननीय विधायक है इंदर सिंह गांधी, वो रजनी नायक की फेवर में कन्वेंसिंग करने आया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आया। अगर वो नहीं आता, अगर मेरी भी फेवर करता, तो आज मैं सोचती कि मैं कांग्रेस में नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में जाती। जब कांग्रेस ने मेरा समर्थन किया, कांग्रेस ने मुझे जिताया, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। और इनकी एक टीम रात को उनके घर जाती है, वो फिर वार्न करते हैं उनको, तेरे को देखेंगे हम, कैसे तेरा हस्बैंड नौकरी करेगा, कैसे तू यहाँ रहेगी, हम देखते हैं हमारी सरकार है, हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, अब अभी 1.5 साल हमारी सरकार का है। ऐसे ऐसे वार्न करते हैं, ऐसी धमकियां देते हैं। सरकारें हमारी भी रही, 1952 से लेकर 1970 तक हमारे मुख्यमंत्री रहे, हमारी गवर्नमेंट रही। 70 के बाद 80 तक इनकी गवर्नमेंट आई, 80 के बाद 90 तक हमारी गवर्नमेंट रही, 90 से 93 तक इनकी रही, 93 से 98 तक हमारी आई, 98 में पंडित सुखराम के माध्यम से इनकी सरकार बनी, 2003 में हमारी गवर्नमेंट आई, 2007 में इनकी आई, 2012 में हमारी आई। सरकारें आती हैं चले जाती हैं। ऐसे वार्न करना, ऐसी धमकी देना, और उन्होंने धमकी दी, वो माने नहीं। उसके हस्बैंड ने बोला आप कर लो, मैं नौकरी करता हूँ, ये मेरे लिए पर्सनल लाइफ है, अगर मेरी वाइफ खड़ी हुई बीडीसी मेंबर के लिए तो इसकी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी ये पर्सनल लाइफ है, मैं सरकार की नौकरी करता हूँ, ठीक है, मैं आज सुंदरनगर में हूँ, सरकार चाहे तो कहीं चेंज कर सकती है। और इन्होंने रात को वार्न किया और सुबह 11 बजे उसके ऑर्डर 8 बजे उसके ऑर्डर आ जाते हैं रामपुर के।